नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। झांसी के मौरानीपुर तहसील सभागार में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी आंध्रा बामसी की अध्यक्षता में किया गया। तहसील दिवस में भारी भीड़ होने पर जिलाधिकारी ने प्रांगण में ही फरियादियों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने बताया 350 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। मौरानीपुर तहसील में अनियमित विद्युत कटौती होने पर एक्सियन हाइड्रेल मौरानीपुर के खिलाफ एवं मौरानीपुर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मौरानीपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही वीडियो विकास खंड मौरानीपुर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सर, आज मंगल दिवस में सर क्या क्या शिकायत रही सर आज यहाँ पर? यहाँ मुख्य रूप से जो मौरानीपुर ब्लॉक से जुड़े हुए स्वयं सहायता समूहों का एक मेजर शिकायत है कि उनकी ऋण वितरण में कुछ अव्यवस्था है। तो फिर उसके संबंध में हम अपने BDO से और LDM से बात करके इसको दूरी करने के लिए एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं। कुछ किसानों की शिकायत है कि बिजली कनेक्शन को देखते हुए और बिजली की कटौती को देखते हुए, और एक्सन मौरानीपुर विद्युत वाले हैं जिनकी कार्यशैली पे हम लोग भी चेतावनी जारी कर चुके थे, तो फिर और अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का किस्त नहीं मिला था, लेकिन वो ऊपर से जुड़े हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट रिलीज होने की संभावना है तो फिर हम सूचित कर देंगे। तब तक इन लोगों का अपना आवास को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आवास की मतलब लिंटल तक पूरी करना जरूरी है। कुछ लोगों की पेंशन की शिकायतें हैं, जो पहले से पेंशन मिल रहा था, जो नहीं मिल रहा है उसके एनरोलमेंट के काम भी शुरू करा रहा है। और इसके अलावा कुछ मतदाता सूची संबंधित शिकायतें भी हैं और सेक्टर की या पत्थरगड्डी के संबंध में शिकायत भी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगभग 350 के आसपास शिकायत हमारे संज्ञान में प्राप्त हुई है आज। उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने की डायरेक्शन भी दे चुके थे। इसके अन्यथा यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर EO को भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। सर, कोई कार्रवाई की गई है सर अभी? तो एक्सन हाइडल मौरानीपुर के खिलाफ और EO मौरानीपुर के खिलाफ तो कार्रवाई तय की गई है, और BDO मौरानीपुर की जो जांच आके आने के बाद उसके खिलाफ किया जाएगा। सर, वोटर लिस्ट में सर ग्रामीण सर बड़े परेशान हैं सर, नाम कट जाते हैं सर, उन लोगों के जुड़ जाते हैं सर, इससे बड़ी समस्या आ रही है सर। वोटर लिस्ट के संबंध में मुझे ये भी कहना है कि जब वोटर लिस्ट की सूची तैयार हो जाती है उनके अपील के लिए समय भी दिया जाता है, तो अपील की जो समय है या अनापत्ति दर्ज करने का जो समय है, आपत्ति दर्ज करने का जो समय है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना जो भी है फॉर्म ज़रूर भरवा के फिर दे दीजिए, हम उसको पुनः परीक्षण कर देंगे। सर, गौशाला की स्थिति बहुत ख़राब है, कहीं गौशालाओं में जो है मर रही हैं। इसमें हम भी पब्लिक से अनुरोध करेंगे कि जो गौवंश को सुपुर्दगी में लेने के लिए एक अभियान भी चल रहा है, अगर सब लोग मिल के काम करें तो फिर तो ये सारी जो समस्या है अपने आप पूरी कर लेगा। फिर भी गौशाला में जो धनराशि वितरण करना है कल हम जारी कर चुके थे, कुछ और अन्य गौशालाओं के निर्माण के संबंध में भी कार्रवाई तय की गई। उनके सर्दी के लिए कुछ कंबल की व्यवस्था हो रही थी, वो तो ऑलरेडी कर चुके थे, और जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वो सूचित कर दीजिए, वहाँ पे हम लोग ठीक करा रहे हैं। तहसील के सामने सर अतिक्रमण रहता है, ग्रामीण कई बार सर दुकान वाले एप्लीकेशन दे चुके हैं सर, इसका कोई कार्रवाई सर नहीं हुई अभी? इसमें तो एक मजिस्ट्रेट जाँच करा के हम कर देंगे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।